अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 10 मुहर्रम यौम आशुरा शहादत इमाम हुसैन के इस मौके पर नुमानी अस्पताल और रहमान फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया है। ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जहाँ कसीर तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं, खून का अतिया पेश कर रहे हैं। लिहाजा इसके पीछे मकसद यही है कि ये कुर्बानी का जज्बा रहे, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमारा भी कुछ योगदान, हमारा भी कुछ इसमें पार्ट होना चाहिए। इसी मकसद को लेकर यहाँ पर यह रखा गया है। लिहाजा इसके ज़िम्मेदार हनीफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ भाई, जो ये इतना बड़ा कैंप आपने इसको रखा हुआ है यहाँ पर, इसका एहतमाम क्या है, इसके पीछे मकसद? वैसे तो रहमान फाउंडेशन तारुफ की मोहताज नहीं है, कई सारे खिदमात को अंजाम देती आई है। बस स्टैंड के करीब और रिक्शा ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से इस तरह से करने के पीछे मकसद? असल में तो जो असल मकसद ये है कि हर लाइन से इंसानियत की खिदमत करते रहना है, यही हमारे लिए हमेशा हिदायत हज़रत मौला खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से है। और जो बेलगाम शहर के वासियों के लिए और रहवासियों के लिए एक खुशखबरी यह है कि सेंट्रल बस स्टैंड के जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके तरफ से एक जज्बा ये है कि हम लोग तो दिन रात मेहनत करते रहते हैं, बारिश हो, सर्दी हो, धूप हो, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे खून के ज़रिए से जो पेशेंट्स के लिए जो खून की कमी होती है तो उनको हम अपने खून को डोनेट करके हम मदद करना चाहते हैं। जो आज रखने का जो असल मकसद है कि जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जो शहादत है, उस शहादत और उस कुर्बानी के जज्बे को ज़िंदा रखना है। माशाल्लाह ये जो हम देखते हैं कि एक ऑटो ड्राइवर और कई ऐसे जो मालदार तबका समझता है कि इनकी क्या ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इनको देखने के बाद में हकीकत में ऐसा लगता है कि इंसानियत ज़िंदा है। और जब ये लोगों के अंदर ये जज्बा है जो दिन रात धूप सर्दी और एक दिन ऑटो इनका बंद होता है तो इनके घर पे चिल्ला छिलकना मुश्किल, लेकिन इनके अंदर वो जज्बा देखने के बाद में यकीनन बताऊं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, कि इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, रिसोर्सेज है। तो इनके जज्बे को देख के हम लोगों ने बेलगाम ब्लड बैंक के साथ में, टाइप के साथ में आज कैंप कर रहे हैं। अब तक करीब करीब 25 से 30 ब्लड डोनेट किए हैं। टारगेट हमारा 100 का है और इनकी जो कोशिश भी है कि 100 का आज करना है। तो मकसद यही है कि हर लाइन से इंसानियत को राहत पहुंचाने। जो और एक चीज़ नुमानी हॉस्पिटल रहमान फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि ये जो जज्बा इनके तरफ से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के तरफ से आया है, अल्हम्दुलिल्लाह रहमान फाउंडेशन और नुमानी हॉस्पिटल भी एक कदम आगे बढ़ा के, क्योंकि इनकी जो रेगुलर रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से लोग अपने बीवी बच्चे हैं, माँ बाप को देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन जब खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आती है तो ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान होते हैं। नुमानी हॉस्पिटल की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक इनके लिए स्कीम लेके आ रहे हैं, जो कभी भी इनके लिए अल्लाह ना करे कभी बीमारी ऐसी आ जाती है, उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके जुरू बच्चों के लिए इंशाल्लाह नुमानी हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल के जो अखराजात है उसे माफ़ करके ओनली डॉक्टर्स की जो फीस रहे उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम हो। तो इनके लिए एक स्कीम इंशाल्लाह आज से शुरू करेंगे, ये हमारा वादा है, ताकि इनकी जो ज़िंदगी है भागदौड़ की सुकून के साथ में, आराम के साथ में गुजरे, एक कोशिश इंशाल्लाह रहेगी। जैसे कि अभी हनीफ भाई ने बताया कि इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए जिस कदर कोशिशें जद्दोजहद होनी चाहिए, और आज यहाँ पर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से खून के अतिया का यानी कि ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, कहीं तो एक उम्मीद होती है। अगर माशरे के ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं तो कहीं तो मायूसी आती है, कहीं तो ऐसा लगता है कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब ऑटो रिक्शा एसोसिएशन की जानिब से ऑटो रिक्शा जो तीन पहियों पर ज़िंदगी चलती रहती है, सुबह शाम दौड़ धूप करने के बाद उसके घर के अंदर जो वो रोज़मर्रा के अखराजात को मुकम्मल करने में कामयाब होता है, लिहाजा उसके अंदर इस तरह का जज्बा आता है तो ये एक उम्मीद जागती है, जैसा हनी भाई ने कहा। तो ये जो आपकी जानिब से रखा गया इसको क्या, यानी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का भी दिन रहा कल मुहर्रम, तो ये कुर्बानी का जो जज्बा आपके अंदर देखने के बाद लोगों में भी एक उम्मीद आ रही है, आप इसको कैसे देखते? अस्सलाम वालेकुम। इस कुर्बानी को हर साल कायम रखने का हमारा इरादा है, हर साल इसी तरह ब्लड डोनेट करने के लिए हम हमारा भाई लोगों से अपील किया है, और ये ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से रखा गया है, ऑटो ड्राइवर सेंट्रल बस स्टैंड ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से हम ब्लड डोनेट कैंप रखा गया है। इंशाल्लाह इसके आगे भी ऐसा ही करने की हम कोशिश करेंगे, लोगों को इसी तरह मेहनत करके हम एक हेल्पिंग करने का इरादा है हमारा, वो हेल्पिंग करके
हमारे ऑटो यूनियन को जिंदा रखने की कोशिश करें। ऑटो ड्राइवर भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब ऑटो ड्राइवर भाई लोगों ने मिलकर हमारी हेल्पिंग की है। सब ऑटो ड्राइवर भाई लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह मुझे साथ देंगे तो इंशाल्लाह इससे भी आगे बढ़ चढ़ कर हम काम करने की कोशिश। हनीफ भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि स्कीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई।